कांग्रेस से बगावत के बाद भाजपा का चुनाव टिकट लेकर लौटे भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा के साथ चश्मा परागपुर के विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। एनआईटी के पास स्वागत समारोह में राजेंद्र राणा समर्थक तथा भाजपा सुजानपुर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं और लोगों में भारी उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लोकसभा तथा सभी विधानसभा उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी। मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें जलील किया है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने हमेशा उदासीन रवैया अपनाया है। धोखा तो मुख्यमंत्री ने हमारे साथ किया है, हमारे काम नहीं किए, हमें जलील किया गया। हमारे चुनाव क्षेत्र के जिन मतदाताओं ने हमें वोट किया था उनके काम जो है वो उनको रोका गया। जो काम जो नोट अप्रूव करते थे वो काम फोन जाता था कि इनको काम ना किए जाएं, डस्टबिन में डाले जाते थे और ऊपर से हम लोगों को जलील किया जाता। धोखा तो मुख्यमंत्री ने किया हमारे साथ। ये लोकतंत्र है और छुटक पुटक चीज़ें होती हैं और जहाँ से भी विरोध होगा हम उनके साथ बैठकर मिलकर बात करेंगे। ये आज सुजानपुर में ही उत्साह नहीं, पूरे देश में उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अन्य कई राज्यों में भी बाई इलेक्शंस हैं और मुझे लग रहा है कि पूरे देश में सभी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी सफाया करने वाली है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी ये जो कांग्रेस की सरकार है ये आज पूरी तरह वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर से कभी भी जो है स्विच ऑफ हो सकता है और सरकार जाने वाली है।